सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल द वुल्फ का, आर्क सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। यार पिछली बार हम लोग ने गीगा तो टेम करा था, बट एंड में हमारा सामना दूसरे गीगा और चार्चा से एक साथ हुआ। एंड उस रीजन से हम लोग भाई पिछले वाले एपिसोड में हार गए थे। मेरी बेवकूफी के रीजन से भी हारा था मैंने भाई, रॉकेट लॉन्चर सीधा भाई यहाँ पे ड्यूडन के मुंह पे पेल दिया, और उस रीजन से गाइस मैं यहां पे हार गया था। लेकिन कोई ना, आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, इस वाले एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस सोलो वर्सेस डुओ में वापस घुस चुके हैं, क्योंकि गाइस सोलो वाली लॉबीज पूरी खचाखच खाली थी, कोई भी नहीं था, इसलिए हम लोग को डुओ में घुसना पड़ा। और डुओ में पार्टनर लेने से अच्छा ना सोलो खेल लो, रैंडम पार्टनर जो है ना गाइस वो आपके सारे पॉइंट यूज भी कर लेगा और किसी काम भी नहीं आएगा। इसलिए गाइस हम लोग यहाँ पे जो ना सोलो वर्सेस डुओ आज खेलने वाले। बाकी आज का एपिसोड यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का। सो दोनों चैनल को गाइज जरूर से चेकआउट कर लेना। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइज वन लॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे जो कि लाइक शेयर और डिसलाइक के साथ में, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपका छोटा सा छोटा सपोर्ट भी गाइज हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। और गाइज अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे लिंक मिल जाएगा निट्राडो सर्वर का, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आ। वाह भाई वाह, इस बार तो जोन बहुत खतरनाक आया है। ठीक है, नीचे निट्राडो सर्वर का लिंक है, वहां से आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी मल्टीप्लेयर गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को। एंड जोन तो है खतरनाक, और विस्की पिक पे चार चार गीगा मिलने के चांसेस है। बट जो है ना गाइस, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे गाइस खास कुछ होता है भाई। लेकिन भाई फ्रोज भाई फायर पिक पे ना भाई, मान गया मैं फायर पिक को। बंदे बोलते थे फ्रोजन दूध पे उतरो, फ्रोजन दूध पे आपको मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन फायर पिक पे जाओगे ना 100% मिलेगा। मैं जब भी फायर पिक पे उतरा हूँ, जब भी, तब भी मेरे को गाइस वहाँ पे गीगा या चार्चा हमेशा मिला है गाइस, ठीक है, हमेशा मिला है। और कोई बंदा भी ज़्यादा उतरता नहीं है। वैसे एक बंदा उतरा था पिछले एपिसोड में, उसको मैंने भगा दिया था गाइस। चलो अभी गाइस मैं और रेड वुड में उतरेगा, क्योंकि गाइस आपको बताएं सोलो वर्सेस डुओ है, यहाँ पे भाई आर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बनती है। सो अगर हम लोग को गाइस यहाँ पे ये मैच जीतना है, तो जो हमारे भाई पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स से जो है ना गाइस थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और उनसे बच के रहने के लिए हम लोग यहाँ पे थाइलो कोलियो सर्जी को जो है ना गाइस टेम करने वाले हैं, ठीक है। एंड भाई मैं रेड ड्रॉप की भाई तलाश में यहाँ पे हूँ। रेड ड्रॉप तो उधर है भाई, इधर किधर नहीं है क्या भाई? एक इधर बेटा, देख इधर। हाँ भाई, सीधा नीचे गिरा दिया मेरी जान, ठीक है। ये वाला रेड ड्रॉप भी लेना पड़ेगा, सीधा नीचे जा रहा हूँ मैं भाई। प्लेन ने जो ना लात मार के नीचे उतार दिया, बोल रहा है भाई कितना फोगड़ का बेटेगा, नीचे उतर जा। उसे तो लात मार के नीचे उतार दिया भाई। भाई ये कोई लूट ना ले रहे ड्रॉप भाई, भाई लूटने से जो है ना क्या ज़्यादा खतरा मुझे इन पेड़ों से लग रहा है। कोई आके मुझे जादू की झप्पी ना दे दे, लाइक थाइलो कोलियो, क्या ना उन लोगों को भाई थाइलो कोलियो को बहुत ज़्यादा चूल मचते भाई जादू की झप्पी देने भाई। क्या भाई, सच में भाई बिक गई है गवर्नमेंट गाइस। अभी अगर कोई थाइलो समझो मेरे ऊपर कूदा तो क्या होगा मेरा? क्या मिला तेरे भाई को? ग्रैपलिंग हुक और भाई हार्पून, ये कहाँ पे डालो हार्पून मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और एक वो मिला भाई, वो नेट, नेट 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 से मैं थाइलो को वो कर सकता हूँ भाई, कूदा तो शायद से लात मार के दूर उड़ा सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता भाई। आ जाओ चलो भाई, कारनो धर लेता हूँ ना, क्योंकि ना मेरे को भाई थोड़ा सा ना यहाँ पे वो लग रहा है, रिस्क लग रहा है गाइस, मेरे को रिस्क लग रहा है। ऐसे खुले में भाई ढूंढना जो ना भाई, घूमना ना बहुत ज़्यादा रिस्की है यार, बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई। तू मरेगा कह रहे? अरे बेस क्या, मरने के लिए भाई रुको, मरने के लिए भाई नहीं मरेगा यार, ऐसे ना मरेगा, रुको इसके पीछे पीछे दौड़ जा भाई। भाई ठीक है, ऐसे मारूंगा 20-20 का डैमेज देके इसके पैर के बीच में रहने का, और इसको भाई पैर से भाई जो ना गाइस मारने का काम करने का। मुझे पता नहीं गाइस हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि नहीं कि हम लोग जाके थाइलो को ढूंढ पाए, इसलिए भाई मेरे हिसाब से मुझे जो है ना सस्ता वाला भाई बियर जो है ना गाइस वही टेम करना पड़ेगा। आदिल तो मैंने इसके भाई पीछे पीछे घूम घूम के डाउन कर दिए, बाकी तो अभी और पता नहीं भाई कितना और टाइम लगेगा इसको यहाँ पे मेरे को मारने में। भाई कोई आके मेरे को जादू की जप्पी ना दे दे। कितने लेते हैं? 600, 500, 400, 300 भाई, 500 है भाई, 400 भी नहीं हुई अभी तक तो, ठीक है। अभी कितनी हुई है पता नहीं यार, कितनी, 200, 100। मर जाना भाई। अरे यार मैं तो थक गया भाई साहब। भाई ले भाई 115-15 का डैमेज दे रहा है भाई, 10-15 बार मारना पड़ेगा इसको। ये भाई थाइलो दिख रहा है क्या यार? जोन चालू हो गया रे मेरी जान, पता नहीं भाई मैं टाइम रहते गाइस यहाँ पे टेम कर पाऊंगा कि नहीं।
टाइम रहते कैसे हम लोग थाइलो को टेम कर पाएंगे कि नहीं मेरे को बताने। चल जल्दी चल, अबे जल्दी चल ना जोन के बाहर भाई, कोई तो बंदा उतरा है लग रहा है। 1700 मीटर दूर ड्रॉप लूटा भाई इसके, अब 1700 मीटर दूर भाई, मजाक हो रहा है क्या? सस्ता वाला बियर, बियर तो मिल जाएंगे कैसे हम लोग को कहीं पे भी, बियर का सीन नहीं है। मेरे को थाइलो अंकल चाहिए, थाइलो अंकल के लिए ना जोन के पे थोड़ा सा भाई बाहर जाना। भाई एक मिनट रुक जाओ ना भाई, थाइलो अंकल को मेरे को टेम करना है कैसे भी यहाँ पे देखो। तो थाइलो अंकल को टेम करने के लिए हम लोग को भाई एरिया जल्दी कवर करना पड़ेगा, और जल्दी एरिया कवर करने के लिए हमारे पास है बियर, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जाओ, चलो नो लॉजिक ओनली मैजिक भाई। चल मेरे को भाई जल्दी एरिया कवर करा दे, मेरे को जल्दी से एरिया कवर करा दे, और मुझे दिखा भाई थाइलो कहाँ पे। सोलो वर्सेस डुओ में थाइलो को लो बेस्ट होता है गाइज, बड़ी बड़ी आर्मी बनाने से अच्छा है गाइज थाइलो को लो पकड़ लो भाई, काम 25 हो जाएगा भाई, बस मिलना भी चाहिए। ये थाइलो है क्या? अरे यार ये तो भाई कार्नोज है भाई, इसका जो पूछ भी चाहिए ना गाइज मेरे को थाइलो की तरह दिख रहा था, इसलिए मेरे को लगा गाइज थाइलो को लियो। 1000 मीटर दूर ड्रॉप लूटा है किसी ने। तो क्यों बावड़ा हो गया अबे, तो क्यों बावड़ा हो गया? चीटियों को मारने के लिए भाई बावड़ा हो गया था वो, मेरे पीछे पड़ गया अभी भाई, मार ही डालेगा क्या भाई तेरा डैमेज। भाई डैमेज देखो, डैमेज देखो भेज गया, अबे डैमेज देखो भेज गया किसका भाई, रेज मोड पे तो ये पागल हो जाता है पूरा भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला डैमेज जा रहा था, भेज गया किसका भाई। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से कैसे आप भे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एरिया कवर कर लेना है। कम ऑन ब्रदर, हाँ भाई यार तुम नहीं ना प्लीज़ यार, अभी नहीं, अभी मूड नहीं है भाई, अभी नहीं आना भाई उंगली करने के लिए, फोकट में मारे जाओगे भाई। रुको मैं स्टैमिना रिकवर कर रहा हूँ गाइस, और साथ में यहाँ पे थाइलो को भी ढूंढ रहा हूँ, बस मिल जाए यार, कम ऑन ब्रो भाई। जोन आ गया यार, नहीं लग रहा मेरे को मिलेगा। बियर से गाइस गेम प्ले करना मुश्किल है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि गाइस उड़ता बिड़ता नहीं है, इसकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा ऊपर से स्लो होती है। चलो लक ने साथ दिया ना, तो इस वाले एरिया में कहीं पे थाइलो कोलो मिल जाएगा। जहाँ पे मैं ढूंढने गया था वहाँ पे तो थाइलो कोलो नहीं मिला। ये पर्पल ड्रॉप है क्या वो? इज दैट पर्पल ड्रॉप ब्रो? हाँ भाई वो पर्पल ड्रॉप ही है, रुको। हाँ भाई चीटियो, नहीं यार तुम लोग ने मेरा स्टैमिना की भेज के आग कर दी। रुको पर्पल ड्रॉप लेने की कोशिश करता मैं, ठीक है पर्पल ड्रॉप लेने की कोशिश करता, अरे नहीं ले पाऊँगा, स्टैमिना नहीं है रे, स्टैमिना नहीं है, स्टैमिना नहीं है। ले भाई पीछे से चीटियाँ अलग आ रही है, ले लूँगा ले लूँगा, कैसे ले लूँगा ले लूँगा ले लूँगा ले लूँगा। इसको लेवल 3 नहीं कर रहा क्योंकि जब तक मैं रेडवुड में हूँ मुझे यकीन है कि इसकी मेरे को थाइलो को लोग कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ओके मैं यहाँ से वैसे गया था, यहाँ पे कहीं पे भी थाइलो को लो नहीं था, मैं यहीं से गया था गाइस, यहाँ तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। चलो इनको मार के कैसे इसकी लेवल अप कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि आर्मी बनानी पड़ेगी। बियर के साथ जो ना कि सोलो गेम प्ले नहीं कर सकते हम लोग, खास करके जब भाई डुओ वर्सेस स्क्वाड हो, समझ रहे हो, सोलो वाला गेम प्ले नहीं चल सकता बियर के साथ भाई। सच में पूरे रेडवुड में एक थाइलो कोलियो नहीं है यार। ठीक है चलो गाइस, ये 400 मीटर दूर भाई, अरे यार वो तो पानी के अपोजिट साइड है, पानी के अपोजिट साइड है, वरना जाके गए उसकी पेटी बना देता, अभी भी जा सकता हूँ वैसे, क्या बता गया उसको थाइलो कोलियो मिला हो। रुको गाइस रुको 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 रुको, इसको मार के गाइस मैं निकल लेता हूँ पानी के अपोजिट साइड में। जो बंदा गाइस वहाँ पे भाई ड्रॉप भी लूटे लूटे जा रहा है ना, उसको पेलने के लिए भेज क्या। ये तो भाई बात मेरे को अच्छी नहीं लगती इसकी, ब्रोंटोसोरस की बग भेज क्या, मार देना है मार देना है मार देना है। ठीक है आ जाओ चलो लेट्स गो भाई, 400 मीटर दूर एक और ड्रॉप लूटा उसने भाई, अभी तो इसको कुप्चे में लेना पड़ेगा, अभी तो इसको लेना पड़ेगा कैसा, इसको लेना पड़ेगा। इसके पास कौन सा डायनो है मेरे को पता नहीं है, बट इसको लेना पड़ेगा कुप्चे में। रिक्स से ब्रायनिक्स से, ब्रायनिक्स से, अबे चल ना दिख नहीं रहा बीजीएम में। ठीक है सो यहाँ से पानी क्रॉस कर ले, मे बी अपने लिए भाई एक रिक्स टीम कर रहा है, नहीं कर रहा टीम, नहीं कर रहा रिक्स तो टेम नहीं कर रहा, इसकी ब्रायनिक्स की आर्मी है, हालोसोरस की आर्मी लग रहा मेरे को तो। बग बेच क्या भाई, अपने दोस्त को बचाने के लिए कूद गया क्या रे, अपने दोस्त को बचाने के लिए कूद गया
भाई दोनों में से कोई एक बचेगा, दोनों में से कोई एक बचेगा भाई। कम ऑन भाई, दिमाग तो लगा रहे गए ये लोग। ठीक है, इसकी तो पेटी बन गई, अब इसके पार्टनर को ढूंढना है। वेयर इज द योर पार्टनर इज द वोरा, वोरा इसका पार्टनर, वोरा इसका पार्टनर यहाँ पे छुप रहा था, ये रहा भाई। सोलो वर्सेस डुओ भाई, चल बेस क्या, सोलो वर्सेस डुओ भाई, भाई पेल डाला ब्रियो ब्रियो, आपन से पंगा पड़ जाएगा महंगा। भाई ब्रैडिक्स और आलोसोरस लेके घूम रहे थे भाई, ब्रैडिक्स और आलोसोरस बजा कर रहे हो क्या भाई तुम? ए वो बंदर चाहिए मेरे को, वो बंदर चाहिए मेरे को, बंदर जो ना कि जो स्लो कर देगा थोड़ा सा अपने एनिमी को, इसलिए कैसे मेरे को बंदर चाहिए। रुक बेस क्या, ये बंदर ले लेता हूँ, स्लो कर देगा थोड़ा सा यार एनिमीज को, और तो कोई सीन नहीं है भाई। इधर ओ बाद में कर ले, आ जा बैठ जा पहले, ठीक है। ओ लेवल टू का कोई तो डायनो आ रहा है इधर, पता नहीं जो भी है इसकी पेटी तो बनना बनता है यार, क्योंकि इसने भाई यहाँ पे आने का दुस्साहस करा है। पता नहीं भाई क्या सोच के आया था, पता नहीं भाई क्या सोच के आया था ये भाई। थोड़ा सा इसका थेरिजिनोसॉरस थोड़े टाइम तक जो ना गाइस कंफ्यूज रहा भाई, कि भाई क्या करा जाए, मालिक तो मर गया अभी मैं क्या करूँ, मालिक तो मर गया अभी मैं क्या करूँ, थोड़ा इधर उधर देख रहा था इसका थेरी। चलो गाइस भाई बियर बी नॉट दैट बैड बैड ना गाइस, हाँ गाइस क्या लगता है आपको, बियर बी नॉट दैट बैड, बियर से भी मार रहे गाइस हम लोग अच्छे से भाई। यहाँ पे दो ट्राइब की बैंड बजा रखी है, एक तो डुओ को पेल दिया, एक तो सोलो बंदे को पेला। ये पता नहीं मेरे को सोलो था भी या नहीं, या फिर अकेला अकेला घूम रहा था। कभी कभी होता है ना सोलो वर्सेस डुओ, भाई मतलब डुओ खेलते हो 300 मीटर दूर एक भाई बंदा है, ठीक है। एक सेकंड का कूलडाउन है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे उसको मारने के लिए, उसके पास भी एक बियर है, उसके पास भी एक बियर है और मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं उस बियर की लेवल अब लेवल कितनी है, दो लेवल है, वो रिजेन डाल सकता है, ठीक है रिजेन डाल सकता है, तो थोड़ा संभल के रिजेन ना डाल दे, बस रिजेन ना डाल दे, रिजेन डाल दे, लेकिन टाइम लेट हो गया थोड़ा, थोड़ा लेट हो गया। कहाँ पे कौन मरने वाला है, मेरा बियर मरने वाला है भाई। नाइस वन, ए भाई हेलो व्हाट द हेल, तुम्हारे पप्पा का मालिक है रे, बियर को मार रहे साड़े, बियर को मार रहे भाई, बियर को मार रहे, इनके पप्पा का मालिक है बे, लाड़ में बियर को मार रहे भाई। गाइस ये वाला मुझे लग रहा है वो जो बियर वाला बंदा आया था ना, डैम ब्रो निकल ले निकल ले, इतना भी बेवकूफ नहीं है कि स्पाइनो से पंगा ले लो भाई, छोटा सा बियर हूँ मैं, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ भाई कि स्पाइनो से पंगा ले लो मैं। बेस क्या भाई लाड़ में, वो भी लेवल 3 के स्पाइनो आ रहे थे भाई, लाड़ में आ रहे थे गाइस, ज़्यादा ही नज़दीक आ रहे थे लाड़ में गाइस। दो डुओ को उड़ा दिया 600 मीटर दूर गाइस, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मज़ा आता है रे, मज़ा आता है इसे मारने में भाई। थोड़ा सा एक काम कर ले, रॉकेट लॉन्चर रिलोड कर ले यार, क्या ना थोड़ी सी लफड़ी हो जाएंगी ना तो काम आ जाएंगे रॉकेट लॉन्चर्स, और इसकी भी एमो बना ले, रिलोड कर ले, रिलोड ब्रो, हाँ नाइस वन, एंड रिलोडेड रिलोडेड ना, हाँ सो इसको ले ले एंड चलो आ जाओ बॉयज लेट्स गो। ए ब्रूड मदर है ऊपर रे, मेरे को मजा नहीं आता ब्रूड मदर, कर लूँ कहाँ करूँ भाई मैं, कर लूँ क्या गाइस, ब्रूड मदर को ऊपर है जा रहा हूँ करने के लिए। चलो अभी इतना फोर्स कर रहे हो आप लोग तो मैं जाके ब्रूड मदर को टेम कर ही लेता हूँ भाई। 1700-1800 भाई, ये 2000 पॉइंट समथिंग कुछ होने वाले हैं, इनका क्या करूँगा मैं बताओ, ब्रूड मदर ही टेम कर लेता हूँ गाइस लेट्स गो। वैसे भी भाई 4 बंदे को और 7 डायनोस को उनके मार ही चुका हूँ मैं, और भी ज़्यादा मारूंगा भाई गंदा वाला। इधर आ भाई इधर आ, ब्रूड मदर को ना भाई पैसिव पे नहीं रखना है, बाहर में जाए डायरेक्टली कुत्ते की मात जो ना गाइस मारना बंदों को, ठीक है रुको। ए ब्रूड मदर स्पॉन कर मिनियन, मिनियन स्पॉन कर बेस क्या कर दो, और मिनियन स्पॉन कर भाई, और मिनियन स्पॉन कर स्पॉन बेस की आंखियां आ जाऊं
जो भी, अबे एक मिनट रुक जाओ, अबे अबे एक एक, एक एक दिमाग में प्लान आया है। ब्रूड मदर फॉलो मी, जो स्पाइनो लोग मेरे को उंगली कर रहे थे, आपको पता होगा अभी उनको उंगली करने की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, बताओ मेरे को मिलनी चाहिए कि नहीं उन लोग को उंगली करने की सजा। हम लोग देंगे ना गाइस, हम लोग देंगे गाइस, रुको। उन लोग ने मेरे को उंगली करा कैसे, आराम कर लोग, स्पाइनो लेके आके मेरे को डरा रहे थे भाई। कहाँ पे वो चिल्लर पार्टी जो स्पाइनो लेके आके मेरे को डरा रही थी? यहाँ से तो जा चुके होंगे कभी कहाँ, बट गए कहाँ होंगे, जोन की तरफ भी गए होंगे कहीं पे लग रहा है मेरे को तो, मगर तो लग रहा जोन की तरफ गए पे। हाँ ये रहे, ये रही भाई, ये रही इन लोग की चिल्लर पार्टी, ये रही इनकी चिल्लर पार्टी। जाओ जा, जाओ 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 रेक्स का गेम में बजाता हूँ पीछे से, रेक्स का गेम में पीछे से बजाता हूँ, पोजेस मोड पे वैसे भी। व्हाट द हेल, गेंडो की भाई, गेंडो का डैमेज ओपी बोलते क्या, गेंडो का डैमेज ओपी बोलते, बट गेंडो की भाई एक भाई वो होती है गाइस, गेंडो के बीच में ना गाइस एक थोड़ा सा वो होती है, कमजोरी होती है, वो होता है भाई पिछवाड़ा उनका। भाई इसका एक बंदा पहले मरा हुआ था, खत्म भाई, खत्म है। लो ब्रूड मदर मर गई, बट बड़ी सी आर्मी फेल डाली यार, देखो भाई, देखो गाइज भाई, बड़ी सी आर्मी फेल डाली, भले अपनी ब्रूड मदर का भाई स्वाहा हो चुका हो, बट बड़ी सी आर्मी को फेल डाला बनने भाई, बियर से क्या दो रहा हो भाई। वैसे ब्रूड मदर ने ना भाई, मतलब ब्रूड मदर को ना मेरे को ये पता चल गया कि इजीली रेक्स फेल सकता है गाइज, रिक्स पेल सकता है भाई, रिक्स पेल सकता है। देखो देखो भाई, चांस पे डांस मारने के लिए आया कोई तो वहाँ पे, पता नहीं कौन सा डायनो लेके आया है, बट चांस पे डांस मारने के लिए आया। फ्लेम थ्रोअर तो मिला नहीं अभी तक मेरे को, ये कंपाउंड बो नहीं है मेरे पास अभी तक। व्हाट द हेल, मेरे को ये बताओगे कि ये कौन सा डायनो है, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा फिर उसको। अरे अच्छा ये है क्या सर, व्हाट आर यू डूइंग सर, ब्रायनिक सर रिजन डाल दो क्या, अभी डाल ही देता हूँ ना। ब्रायनिक सर What are you trying to do, भाई? What are you doing? मेरे भाई बंदर ने उसको स्लो कर दिया है, मेरे बंदर ने इसको स्लो कर दिया भाई। कंपाउंड बो नंगा कर दिया, बक बेस की आग भाई। हेलो गाइज, भाई भाई लाइक दोगो भाई, लाइक दोगो, क्या कर रहे हो गाइज, लाइक दोगो और सब्सक्राइब कर दो बेस की आग। आज तो भाई सबकी बाट बजेगी, मेरे को पता नहीं गाइस मैं जीतूंगा कि नहीं, मैं भाई खुश हूँ, लेकिन जो मैंने धोया है भाई सोलो वर्सेस डुओ में ना भाई, इससे मैं खुश हूँ भाई। भाई जो धोए जा रहा हूँ मैं सबको, छह भाई ट्राइब बची हुई है अभी तक, बंदे कितने टोटल भाई वो पता नहीं चलेगा, अभी वो पता नहीं चलेगा कितने बंदे हैं भाई, बट बड़ी बड़ी आर्मी को पेलने के लिए एक बॉस है क्या, कोई और नहीं है यार जाके, वरना एक और बॉस को डेम कर लेता मैं, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज नो बॉस अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है नो वरीज, कूल डाउन और रिजन डाल दें, रिजेंट डाल दिया मैंने। हेलो सर, जोन इज कमिंग, कंपाउंड बो गिविंग, हाँ कंपाउंड बो गिविंग गाइस, देखियो मैं फाइनली कंपाउंड बो बॉयज, लेट्स गो 900 मीटर दूर दे तू ये, ठीक है थोड़ा संभल के, क्योंकि एंड में जो आर्मीज होंगी वो गाइस बड़ी बड़ी वाली होंगी, ये आपको और मेरे को दोनों को पता है। सो थोड़ा सा एंड गेम में संभल के रहना है, ज़्यादा बंदों से पंगा नहीं लेना है, बस लेवल देख ली इसकी जो सामने से, ओके थोड़ी सी एक बड़ी सी आर्मी जा रही है, एक बड़ी सी आर्मी जा रही है जोन में। ऑलराइट यस, बड़ी सी आर्मी जा रही है जोन में, और मैं भी थोड़ा सा घूम के जा रहा हूँ। बंदा है इस पर, आई डोंट थिंक इस पर कोई बंदा है, पंगा क्यों ले रहा हूँ मैं भाई, इसी के कारण तो मरता हूँ मैं भाई, इसी के कारण तो मरता हूँ मैं बेस के आग। चलो कल्टी मार रहे हैं तो मेरे को यहाँ से अगले जोन में सीधा निकल रहा हूँ गाइस मैं, अगले जोन में पीछे से भाई देखने दो भाई कोई आ रहा है कि नहीं, ऊपर एक मेरा आर्मी है, मैं अगर मेरे को मार पड़ता रहता है ना गाइस तो मैं उतने जल्दी जो ना कि अपनी मूवमेंट स्पीड भाई रिजेक्ट। अबे यार मैं भाई चींटियाँ यार, चींटियों से भाई मेरे को बहुत भाई वो लगता भाई, दुश्मन है मेरी चींटियाँ भाई, स्टैमिना रिकवर नहीं करने देती, पता है आपको स्टैमिना रिकवर नहीं करने देती। जोन की बात करें तो
जोन थोड़ा सा अजीब सा आया है, बड़ी बड़ी आर्मीज है लोगों के पास, सो टेंशन वाली बात तो है, ठीक है। बट अगर मैं सबके जो है ना गाइज, अगर दूर रहा, अरे यार कैसा दूर रहेगा, अरे बाबा कैसा दूर रहेगा, ठीक है। और मेरे को पता ऊपर चढ़ने का रास्ता है क्या, जैसे ऊपर चढ़ने का रास्ता है पीछे से, लेकिन चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप जाके यहाँ पे कोने में, बात खत्म भाई, चुपचाप यहाँ पे जाके बैठे रहो, आराम से इन लोग को लड़ाई करने दो, मेरे को कुछ भी गाइज इन लोग को भाई उंगली नहीं करने का है, ठीक है। अभी के लिए मैं चुपचाप बैठे रहता हूँ, इतना मैंने मारा है ना, मैं खुश हूँ। एंड जोन में जो ना गाइज उंगली मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइज एंड जोन में देखो भगने के लिए ज़्यादा हम लोग को स्पेस नहीं मिलता है भाई। अगर बड़ा जोन है तो मैं भग के थोड़ा दूर जाऊँगा, वहाँ पर रिजेन करके वापस से उंगली करने आऊँगा बियर से, ठीक है। थाइलो से कहीं पर भी चढ़ पे छुप सकते हैं, बियर से वैसे नहीं कर सकते, बियर से भाई भग के कहीं पे जाके हिल करके आना पड़ता है। बट यहाँ पे जोन और ये जो भाई जो आप पहाड़ी एरिया देख रहे हो, ये हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारी जो ना जीत तोड़ देगा यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ठुक गया ना मेरी मूवमेंट स्पीड वैसे भी स्लो ही हो जाएगी। सो इसलिए गाइस भाई मेरे को ये बता भाई तेरा लेवल कितना है, हाँ लेवल 0 ही है इसका, नाइस। इसका लेवल अप होना भी नहीं चाहिए, वरना भाई अगर मैं कहीं पे छुपा रहा ना तो मेरा बंदर मेरी लोकेशन रिवील कर देगा। ओके संभल के, बड़ी बड़ी आर्मीज आ रही है, ये बंदे ने मेरा वाला ही पाथ चुना, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा झूल के अंदर चलो और डिप में, वाव मैं जा खड़ा हूँ वहीं पे जोन आ रहा है, और मेरे को मारने के लिए आने में ना एक बार भी नहीं सोचेंगे ये लोग, क्योंकि मैं सोलो हूँ और इन लोग के पास बड़ी बड़ी आर्मीज हैं, तो ये सोचेंगे नहीं भेज के एक सोलो है भाई छोड़ देते भाई, ना भाई कुत्ते की मौत मारेंगे मेरे को। थोड़ा संभल के, इसलिए कमॉन बॉयज संभल के, ये बड़ी वाले आर्मी में भी मेरी डायरेक्शन में आ रही है, ये ऊपर फाइट करने जा रही है, पता नहीं है, बट मैं यहाँ पे चुपचाप बैठे रह रहा हूँ। मेरे को भगने के लिए ये वाला एरिया है, यहाँ से मैं ऐसे भग सकता हूँ, ठीक है। नाइस वन, ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है जैसे कि मैंने सोचा था। कम ऑन ब्रदर, चल जो उनके बाहर ही चल ले, मूवमेंट स्पीड गेन कर ले, खाली मूवमेंट स्पीड गेन कर ले, बाकी तो और कोई सीन नहीं है, बाकी तो अपन लोग इन लोग से भग जाएंगे, ठीक है। इन लोग को जो ना गाइस देखो मौत के मुंह में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अंदो भाई तुम लोग आप भी अटैक ना करना मेरे पे, माँ की आँखी ये भी कर लेंगे ना सारा भाई, फ्री का किल जो हूँ भाई, फ्रेंडली यार तुम लोग नहीं करना यार, सब लोग मेरे को भगा रहे यार। स्पैनो कुछ नहीं करूँगा भाई, कुछ नहीं करूँगा भाई तेरे को, बस थोड़ी सी जगह दे दे बस यार, रेडे के लिए जगह दे यार, थोड़ी और कुछ मांग रहा है, माँ की आँख भाई, ये यहाँ पे भी नहीं जगह दे रहे, हर जगह से मेरे को लात मार के निकाला जा रहा है, कहीं हर जगह से लात मार के निकाला जा रहा है। 1900 पॉइंट है एंड में, किसी ना किसी का डायनो जरूर स्टील करूँगा अगर चांस मिला तो, ठीक है गाइज। स्पाइनो वाला बंदा आ रहा है, संभल के संभल के भाई, भाई मैं तुमसे भाई पंगा नहीं लेना चाहूँगा सर। ओके संभल के, वो पत्थर वित्थर मार रहा है बेच क्या खराम ज्यादा, मैंटी से उसके पास भाई, मैंटी से एक फटके में काट देगा मेरे को, मैंटी से एक फटके में काट देगा भाई, लड़ लो आपस में यार तुम लोग, मेरे को कुछ लेना देना नहीं तुमसे, लड़ लो भाई संभल के। गाइस अपने लेना गाइस एरिया क्लियर कर रहा था कि कहीं पे ठुकू ना, ठीक है भाई। फाइट भाई इंटेंस वाली होने वाली है भाई, थोड़ा पीछे ध्यान रख क्योंकि ये वाला बंदा उंगली कर सकता है भाई, लोग सब इंतजार कर रहे हैं आपस में कब लड़ेंगे, और मैं भी भाई रुको, हाँ वो वाले बम बना दो, हाँ नाइस वन, कंपाउंड बोले ले हाथ में, मेरे से फाइट करेगा तब मैं तो जोन के बाहर से निकलूंगा बाबा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं भाई तुम लोग से, आराम से ऊपर इन लोग की फाइट चालू हो गई, पैसिव रे, ठीक है रुको
आराम से भाई, आराम से संभल के। पता नहीं वो बंदा कहाँ पे गया भाई। यार बड़ी बड़ी आर्मीज बची है, संभल के थोड़ा। नाइन्टीज के बच्चे हराम खोर। रिजन देना है अभी, दे ही देता हूँ ना। माँ क्या आग भाई, नाइन्टीज ने तो जी तोड़ दी पे। माँ क्या आग तेरे, मैंटिस ने तो जी तोड़ के रख दी भाई। भाई मेरे पास और कुछ है इसके अलावा? हम नहीं है भाई। लग गए यार, हेल्दी नहीं थी ना ही रॉकेट लॉन्चर के एमो थे। मैंटिस ने भाई मार रहा है भाई, मैंटिस देखना भाई जीत गया बे। भाई तू से हेल्थ पे जीत गया भाई, एक गोली लग जाती ना तो मर जाता मैंटिस। मेरी हेल्थ भाई बहुत कम हो गई थी यार यूटी के कारण। बट गेम अच्छा गया गाइस, ये भाई गेम जो ना उतना बुरा नहीं गया। हम लोग ने भाई सोलो वर्सेस डुओ में काफ़ी बंदों को पेला गाइस, काफ़ी ज़्यादा बंदों को पेला भाई। देखना किल, देखना गाइस किल, देखना तेरे भाई के कितने किले भाई, कितने किले यहाँ पे टोटल। ये देखो भाई 7 किल, जितने भाई जितने वाले आर्मी ने नहीं मारे ना, जितने वाले बंदों ने नहीं मारे उतने तुम्हारे भाई ने मारे। 7 बंदे और 14 डायनो को मारा गया अपन लोग ने यहाँ पे, वो भी स्टार्टिंग में भाई। एंड में भी थोड़ा सा जो ना गया यहाँ पे मारा मैंने गई पीछे से बियर से जाके, मजा आ गया गई, मजा ही आ गया। बाकी आपको गेम में कैसे लगा जरूर बताना, और जो मारा है ना गया इस गेम में बंदों को उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। ठीक है चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय गाइस।